दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे LPT का। LPT में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका स्पोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मेजर चीज़ है कि इसके फंक्शन को आप समझें, इसके यूज़ के इसके यहाँ पे आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के विजन से एंट्री होगी या नहीं होगी, क्या आपको आने वाले टाइम में इसका प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्त हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम LPT के ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $5.9 के रेंज में देखने को मिलता है, माइनर सा डाउनफॉल है। अगर इसके हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये आपको 170 मिलियन का देखने को मिलता है, रैंकिंग इसकी 154 नंबर पे है। तो देखिए, कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जब मार्केट यहाँ पे ऐसे मूवमेंट दे जो कि मीम कॉइन या फिर ऐसे कॉइन जिनका कभी आपने जिक्र ना देखा हो, या ऐसे कॉइन जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 100 मिलियन के नीचे देखने को मिलता है या उसके नियर अबाउट है, जब वो पंप करना स्टार्ट हो जाए तो आपके अंदर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में मार्केट डंप हो सकता है। तो वही चीज़ अभी मार्केट में हो रहा है। अब अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 96 मिलियन देखने को मिलता है। सप्लाई अगर हम देखें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कम है इसके, 28 मिलियन के है, और टोटल सप्लाई भी 28 मिलियन है, और ये वेरीफाइड है कॉइन मार्केट कैप की तरफ से। अगर इसके हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम इसके जो टोकन्स है वो मार्केट में आते रहेंगे। अब इसका फंक्शन समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि इसके टोकन्स मार्केट में आएंगे कैसे। तो जैसे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपकी अर्निंग होती है। तो ये जो टोकन है ऐसे ही प्लेटफॉर्म का एक टोकन है, मतलब अगर आप वहाँ पे अपना लाइव स्ट्रीम करेंगे या कोई अपडेट देंगे तो आपको एज ए रिवॉर्ड ये टोकन मिलता रहेगा। हालांकि अभी ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, पर जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके यूज़र बढ़ेंगे, आपको इसके प्राइस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए, ये अगर हम इसके लिस्टिंग की बात करें तो ये आया था 2019 में, और 2019 के बाद ये अपने एक पीक रेंज पे गया 2021 के टाइम में, और उसके बाद से आपको फिर से यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है। तो सारा गेम है यूज़ केस का, हाई का। अगर इसका यूज़ केस और इसका हाई का आता है तो दोबारा से ये अपनी रिकवरी कर सकता है। अगर इसके हम अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, आप इसके वेबसाइट पे जाके इसके फंडामेंटल को समझ सकते हैं, क्या कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा और कौन कौन से इनके पार्टनर हैं। बाकी अगर आप इनके अपडेट्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे इनका जो सोशल साइट मिल जाएगा, आप इनको ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकी यहाँ पे अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये आपको $100 के रेंज में देखने को मिलता है, और ऑल टाइम लो इसका 0.4 के रेंज में है। 24 आवर का फ्लक्चुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5.9 से लेके 6.5 के रेंज में देखने को मिलता है। तो कल मैंने अपने लाइव में आपको बताया था कि हमारा जो टारगेट होगा वो 6.2 का, 6.3 का और 6.5 का होगा, तो हमारे टारगेट वो हिट किया कल इसके प्राइस ने। अब देखिए, यहाँ पे ज़रूरी है, अगर आप मेरा लाइव भी ज्वाइन करेंगे तो आपको कॉइन्स के रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा, वहाँ पे ट्रेड में मिल जाएगा। बाकी अगर इसके हम सोशल साइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाइड पेज है, बट अभी के डेट में वेरीफाई करवाना बहुत आसान है, आपको पता है। बाकी अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो वही जो मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड एक वीडियो का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लाइव वगैरह करके और इसको एज ए रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। बाकी अगर ये अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं तो आने वाले टाइम में एक आपको अच्छा रिटर्न यहाँ दे सकता है ये, बट होगा क्या, जैसे मार्केट में यहाँ पे बाकी कॉइन्स डंप होंगे उस टाइम में एक मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो ग्रो कर सकता है। और वैसे अगर हम यहाँ पे यूज़ केस के एंगल से बात करें तो जब इसका प्रोजेक्ट यहाँ ग्रो करेगा तब आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट का अगर फ्यूचर अच्छा होता है तो हमें इसमें डिप एंट्री देखनी होती है। अगर हमें डिप एंट्री मिलेगी तो हम अपना $10-$20 इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। तो दोस्त आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम LPT का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये एक रेंज में मूव हो रहा था, और जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आपको अच्छा खासा यहाँ रिकवरी देखने को मिला था इसके प्राइस में, और इसने अपना पीक रेंज यहाँ $7 के नियर अबाउट लगाया। इसके बाद से फिर से मार्केट यहाँ क्रैश करके नीचे गया और इस ट्रेंड लाइन के नियर अबाउट आके हम होल्ड हुए। इसका आप ये जोन भी रख सकते हैं कि ये जो आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था पहले, उसी के नियर अबाउट जाके हम होल्ड हुए, और इसके बाद से आपको रिकवरी देखने को मिली। हमने कल यहाँ पे डिस्कस करा था इसके प्राइस के बारे में, और मैंने आपको टारगेट दिया था कि हम इस टारगेट को हिट करेंगे जो कि होगा 6.5 का। तो इसको हमने अच्छा खासा हिट किया। अब क्या हो सकता है, देखें हमारा जो प्राइस एक्शन होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे चलता है। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, हम जब यहाँ पे इसके ऊपर गए हैं
तो इसको एज अ जो स्पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर ये स्पोर्ट जोन ब्रेक हो जाएगा फिर आपको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ स्टैंड लाइन के पास आ सकते हैं, पर बाकी जिस हिसाब से ये मूवमेंट हो रहा है अभी हम यहाँ अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, मतलब थोड़ी यहाँ पे रिकवरी हो सकती है अभी भी। बट यहाँ पे देखिए ऐसे कॉइन्स में आपने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना होता है, आप स्पोर्ट में बाइंग करेंगे तो स्पोर्ट की बाइंग से आपका थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपने वही कैपिटल अपना यूज करना है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आपको यहाँ पे मैंने मूवमेंट बता दिया क्या हो सकता है। अब अगर इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो प्राइस एक्शन है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और यहाँ से हम रिजेक्शन खा के नीचे आ रहे हैं। तो अगर यहाँ हम ट्रेंड वाइज बात करें तो हम एक बियर ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, यहाँ रिजेक्शन के बाद एक बॉटम के साइड में भी आ सकते हैं हम, अगर आपने इसको टॉप रेंज में बाय कर लिया है जो कि हमारा टारगेट था। तब आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा वेट करें, जब इसका प्राइस 5.2 के नियर अबाउट आएगा तो आप यहाँ पे और अपनी बाइंग कर सकते हैं और अपना एवरेज करेंगे, ताकि अगर इसका प्राइस 6.5 के रेंज में भी वापस जाता है तब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें तो आप इजीली इसको $8 का $10 का टारगेट रख के होल्ड कर सकते हैं, इतनी बुल रन के नियर अबाउट आपको इसका जो प्राइस है वो देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा देखें अगर आप सेफर साइड चलना चाहते हैं तो मैं आपको पहले वाली एडवाइस ही दूंगा कि आप यहाँ बिटकॉइन और इथेरियम को चूज़ करें। ये सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं और अच्छा लॉस भी दे सकते हैं, तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके तब अपनी बाइंग करें। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।